पत्रकार पीछे कर देना आपके भाई भी क्या करे भाई पीछे क्या लड़न छोड़ी जी पीछे क्या लड़न छोड़ी आपको भाई महेश चौहान जी हमारे बीच में मौजूद जिला परिषद के सदस्य आपके भावी विधायक नीलचंद जी हमारे हल्का अध्यक्ष भाई राजेश जी युवा अध्यक्ष भाई कृष्ण जी राकेश यादव जी राकेश हमारे एस सी सेल के अध्यक्ष बहुत ही आदरणीय ज्योतिवाल जी अमरनाथ जी जेई महेश राठी जी सूर सिंह सैनी जी अनिल यादव जी दिलीप सिंह जी सुनील चेयरमैन जी ईश्वर चेयरमैन जी मास्टर प्रीतम जी ताहिर खान जी अवा सिंह यादव जी भरत नंबरदार जी दीपक राठी जी सब कोई रह गया उस साथी से माफी चाहूँगा तमाम मंचासीन और आज पटौदी की इस पावन धरा पर मौजूद इतनी भारी तादाद में दीपचंद पार्षद जी को अपना प्यार आशीर्वाद देने आए मेरे पिता तुले बुजुर्गों इतनी भारी संख्या में इस गुरुद्वारे समय पर भी अपना प्यार दिखाते हुए मेरी माताओं बहनों युवा साथियों मैं तहे दिल से आपका आभार भी प्रकट करूंगा और आपसे माफी भी चाहूंगा कि आपके बीच में 2 बजे आना था मैं जनता का अधीन में सोना में प्यार इतना अपार मिला कि राजनीति के अंदर समय लग जाता है उसके बावजूद भी आप लोग पिछले 4 घंटे से इस प्यार के साथ यहाँ बैठे हो यही आपका प्यार वो ताकत है जो हमें कहीं ना कहीं इस प्रदेश के अंदर बदलाव की शक्ति देने का काम करी और मैं तो आज आपको बोलूँगा साथियों 4 महीने पहले लोकसभा के परिणाम के बाद बीजेपी ने एक नारा दिया था 75 पार और अब ऐसी हालात इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की बन चुकी कि 75 पार नहीं वो शायद मोदी जी को प्रचार में 75 बार लाने का काम करे साथियों ऐसी हालत है कि आज के दिन साथ साथ कैबिनेट मंत्री हरियाणा में जनसभा प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष 3 दिनों का दौरा कर कर गए ना तो मुख्यमंत्री के मंच पर चले ना बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आज अभी मेरे को किसी साथी ने फोटो भेजी कि अमित शाह जी आपके फरीदाबाद जिले के अंदर बैठक कर रहे और हैरानी की बात है कृष्ण पाल गुर्जर जी जो फरीदाबाद के सांसद है केंद्र के मंत्री है वो वहां मंच पर नहीं दी साथियों कल आपके रिवाड़ी के अंदर प्रधानमंत्री आए वहां पर गुड़गांव के सांसद नहीं दिखे ये जो फूट बीजेपी के अंदर की ये 75 पार नहीं है इस बार आपके प्यार से हरियाणा का बाहर का रास्ता बीजेपी को दिखाने का काम किया साथियों उसके लिए मुझे 4 दिन मेहनत करनी पड़ेगी 4 दिन घर घर जाना पड़ेगा एक एक वोट जोड़ना पड़ेगा और इसी उद्देश्य के साथ काम करना पड़ेगा कि प्रदेश के अंदर ताकत कमेरे और किसान को देने साथियों खट्टर साहब ने बड़े बड़े इश्तियार लगा दिए लिखा है ईमानदार सरकार मनोहर सरकार मैं तो आपसे पूछता कभी चोर अपने आप को चोर कहता है और ईमानदार आदमी को कभी ईमानदारी का प्रतीक प्रमाण नहीं देना पड़ता वो तो प्रतीक बनता है जिसको लोग कहते हैं बड़े बेहद ईमानदार आदमी मैं शायद पहला आदमी देखा जो पूरे दिन झूठ बोलता इस प्रदेश को जिसने दिलाया इस प्रदेश को जिसने लूटा बांटा आज उसको इश्तियार लगाकर दिखाना पड़ रहा है कि मैं ईमानदार हूं साथियों पूछो खट्टर साहब से कि 5,000 करोड़ रुपए का माइनिंग घोटाला किसकी सरकार में पूछो खट्टर साहब से कि 1,000 करोड़ रुपए का किलोमीटर स्कीम घोटाला किसकी सरकार में पूछो खट्टर साहब से बिजली के मीटर जो घर के बाहर लगाए 100 करोड़ रुपए का घोटाला किसकी सरकार में पूछो खट्टर साहब से कि हमारे एससी एसटी दलितों के बच्चों की स्कॉलरशिप को 24 करोड़ रुपए को जो गरीब बच्चों की शिक्षा में आनी चाहिए थी 4 जिलों में किसकी सरकार में खाने का काम आपने कर दिया
साथियों, ये तो वो लोग हैं जो ईमानदारी का ढोल पीटते हैं और हमारे एमए एमटेक एमबीए करे हुए बच्चों को, पीएचडी करे हुए बच्चों को डी ग्रुप में चपरासी भर देते हैं। क्या ये बेईमानी है साथियों? पूछने का काम करो इन लोगों से कि एसबीओ इलेक्ट्रिकल की लिस्ट आती है और लिस्ट के अंदर 80 में से हरियाणा के कितने लगते हैं? 78 का आगे साथियों, ये आपको समझना चाहिए। अमित शाह जी आए कहकर गए कि मनोहर लाल खट्टर की सरकार ने नौकरी बड़ी अच्छी, नौकरी तो अच्छी दी है, हरियाणा के दो छोड़ दिए, 78 बाहर के लगा दिए जिसमें अधिकतम गुजरात की। साथियों, कल प्रधानमंत्री आकर क्या कह के गए, हरियाणा आता हूं तो मुझे ऊर्जा मिलती। ऊर्जा को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? बिजली। कोई पूछने का काम करे क्या हमारे हिस्से की बिजली छीन कर प्रधानमंत्री बन भी जाते? हमारे यहाँ के तो इस बीजेपी के शासन में 4 थर्मल पावर प्लांट बंद करा दिए और गुजरात की कंपनी अदानी को हरियाणा में बिजली का ठेका प्रधानमंत्री ने दिलवा दिया। जब वो ऊर्जा लेने आते हैं आप साथियों, 5 साल में मुझे ये बताओ प्रधानमंत्री कभी महीने में दो बार दिखे आपको हरियाणा प्रदेश? हाँ जी, चुनाव आते ही हरियाणा से प्यार आ जाता है, हरियाणा बुला लेता है। बुलाते है नहीं बुलाता? वहां बोल गए पीछे की खाली कुर्सियां दिख रही थी, कहते मेरा मन कर रहा है उस खाली उस कुर्सी पे जाके बैठ जाओ। मोदी जी आपको नहीं बैठना, खट्टर साहब को, हरियाणा की जनता। ये वो लोग हैं जिनने इस प्रदेश को 4 बार जलाया, ये वो लोग हैं जिनने इस प्रदेश में 80 लोगों की जान लेने का काम किया। आप खुद सोचो वो डेरा प्रेमियों का क्या दोष था जिनको इनके मंत्रियों ने बुलाकर चंडीगढ़ में बैठाया और फिर 40 लोगों की सरकारी गोलियों से जान लेने का काम। जलियांवाला बाग के बाद अगर सरकारी गोलियों से एक दिन में, एक समय में अगर सबसे ज्यादा जाने गई तो हमारे पंचकुला में इनकी सरकार में। साथियों, इनसे पूछो कहाँ थे जब संत शिरोमणि रविदास जी का 516 साल पुराना मंदिर दिल्ली के अंदर तोड़ा गया। लोग तो विरोध करने दिल्ली गए थे, 55 हरियाणा के गरीब घर के बच्चों का तिहाड़ जेल में बंद कर रखा। चीफ मिनिस्टर ने एक बार भी उनके परिवार के प्रति संवेदना जाहिर की। साथियों, इनसे पूछने का काम करो कहाँ थे जब हमारे बच्चों के युवा साथियों को ग्रुप डी के क्लर्क के पेपर देने के लिए 300-300 किलोमीटर बसों में धक्के खाने। मैं तो धन्यवाद करूंगा उस बहन का जिसने फेसबुक पे वीडियो डाल दी और कहा कि खट्टर साहब हम तो 300 किलोमीटर धक्के खाए, मॉर्निंग इवनिंग शिफ्ट का भी पेपर आउट ऑफ सिलेबस था, मगर हम भूलेंगे नहीं 21 तारीख को थारा भी पेपर आएगा। पेपर बनाने का काम कौन करेगा? हम करेगी हरियाणा की। और ऐसा पेपर बना दो, ऐसा पेपर बना दो कि खट्टर साहब 75 पार की बात कर रहे हैं, 24 तारीख को मशीन जब टी टी करे तो धोती पकड़ के बॉर्डर से बाहर कर। अरे हमारे बूढ़े बुजुर्ग बैठे, इनने तो राजनीति मेरे से ज्यादा देखी। चुनाव जैसे जैसे पास आते हैं जो हार रहा होता है वो विचलित हो जाता है, ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर देता है शायद सामाजिक तौर पर हम इस्तेमाल नहीं कर। यात्रा के अंदर देखा खट्टर साहब के रिएक्शन, एक गरीब ब्राह्मण ने फरसा दिया, वो दूसरा मुकुट पहना रहा था उसकी गर्दन पर लगा के कहते तेरी गर्दन काट दे। कहा ना उचाणा की प्रत्याशी कहती है कि कोई आंख दिखाए उसकी आंख निकाल ले, आदमपुर की प्रत्याशी कहती है भारत माता की जय ना बोले वो पाकिस्तानी। और तो और खट्टर साहब को तो आजकल सपने में भी दुष्यंत दिखने लग गया। कल सुबह ट्विटर के ऊपर सबसे पहले लिख दिया कि जननायक जनता पार्टी नहीं, जेजेपी जमानत जब्त है। खट्टर साहब ये बहम ना पालो,
इन वालों ने 11 महीने पहले जमानत जब्त पार्टी कहा था, 3454 वोटों पे लोगों ने छोड़ दिया। रणदीप सुरजेवाला ने कहा था ये तो छोरे बच्चे हैं, ये कहा राजनीति कर लेंगे, जींद की जनता ने 800 वोटों से जमानत बच गई। अब जब आप कह रहे हो तो फिर जनता भी जवाब देगी। और तो और साथियों, इनके प्रभारी बेचारे यूपी से आते हैं, हरियाणा के अंदर प्रभार संभाले बैठे अनिल जैन जी, आजकल पूरा हाईजैक अमित शाह को कर रखा है, दोनों में मुख्यमंत्री को स्टेज पे चढ़ने देते न सुभाष बराड़ा को, अकेले खुद साथ घूमते। पर साथियों, अनिल जैन जी क्या कहते हैं, दुष्यंत तो बंदर है आग लगाता घूम रहा। मैं तो आपसे पूछता हूँ, 5 साल में पार्लियामेंट में रहा, चाहे बिलासपुर के पुल की बात, चाहे किसान की सरसों की फसल के दाम देने की बात, जब हमारे ट्रैक्टर को इसी सरकार ने ट्रक की श्रेणी में डालने का काम किया, तो उस ट्रैक्टर को पार्लियामेंट ले जाकर वापस गाड़ा बनाने की बात है। तो एक बात मेरे द्वारा ऐसी कही गई है जो प्रदेश में आग लगाने की। मगर साथियों, मैं तो धन्यवाद करूंगा अनिल जैन जी का जो मुझे बंदर कहते हैं। बंदर तो हनुमान जी का रूप है नहीं, और जब इतने बंदर इकट्ठे हो जाए तो वानर सेना तैयार है। साथियों, वानर सेना का रूप ले लो, और बीजेपी की जो लंका जो इस प्रदेश को जला रही है, उस लंका को ढाकर प्रदेश में राम राज लाने का काम करो। कसेरे कमेरे किसान का राम राज। साथियों, प्रदेश में मोटा भाई छोटा भाई के दौरे चल रहे, भाषण के अंदर एक ही चीज कहते हैं, हमने 370 हटाए, हमने राष्ट्रीय हित के लिए काम। साथियों, ये नहीं बोलते हमने रोजगार कितने दिए, क्योंकि 28% बेरोजगारी बढ़ी। ये नहीं बोलते बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की शुरुआत करकर हर रोज 3 रेप इस प्रदेश में होने शुरू हो गए। आज हरियाणा प्रदेश देश का चौथा क्रिमिनल स्टेट है, हर रोज 1 मर्डर 3 रेप 4 डकैती होती। सिर्फ बात करेंगे राष्ट्रीय हित। साथियों, दुख होता है हरियाणा की धरती पर आकर राष्ट्रीय हित की बात करते हैं। आज हर 10वां जवान बॉर्डर पर जो पाकिस्तान की तरफ बंदूक या चाइना की तरफ बंदूक कर खड़ा है, वो हमारे इस हरियाणा की धरती पर। हमें गर्व है इस हरियाणा की मिट्टी पर कि आज हमारे पास ऐसी माताएं बहने हैं जिनने अपने स्वार्थ को, अपने बेटे को इस देश की सुरक्षा के लिए बॉर्डर पर भेजने का काम है। साथियों, वो आकर राष्ट्रीय हित की बात करते हैं, उनको ये बता दो कि जितने लोग गुजरात के आज तक फौज में गए हैं, उससे ज्यादा तो बलिदान हरियाणा के फौजियों ने ब्रेव बॉर्डर पर शहीद होकर देने का। प्रार्थना कि अब समय कम है, और इस कम समय के अंदर हमें मेहनत ज्यादा करें, घर घर जाकर एक एक चीज का प्रचार करें, चाहे वो गुड़गांव जैसे जिले में। आज आपके जिले में नौकरियां हैं 17 लाख, हिस्सेदारी हरियाणा की 3.5 लाख। हरियाणा में नौकरी निकलती है 80 में से 78 बाहर के लगाए जाते हैं। इस प्रथा को बदलने के लिए आपकी पार्टी का वादा है कि राज बढ़ने पर हरियाणा प्रदेश के प्रत्येक रोजगार के अंदर 75% हिस्सा हरियाणा के बच्चों का बनाया जाता है। माताएं बैठी है, ताइया चाचियां बैठी है, मैं तो कहूंगा इस खट्टर साहब ने तो बूढ़ों को 5 साल तंग रखा, आज ऐसी हालत कर दी 2-2 महीने पेंशन नहीं आती। पीछे मैंने दौरा किया आपके यहाँ, जब बूढ़ों ने आकर बताया कि बेटा सुबह बैंक में खड़े होते हैं धूप में, शाम को आकर 2,000 रुपये को 2 महीने बाद आते हैं। इस व्यवस्था को सुधारना, चौधरी देवीलाल जी के चलाए गए इस कदम को बढ़िया तरीके से आगे लेकर जाना, इसलिए हमने निर्णय लिया है कि जहाँ एक कर्मचारी 58 साल की उम्र में रिटायर होता है, बूढ़ों को फिर 60 तक इंतजार करने की जरूरत नहीं। हमारी माताओं को 55 साल, हमारे बूढ़ों को 58 साल, और फिर बैंक जाने की जरूरत नहीं। साथियों, चौधरी देवीलाल ने कभी बैंक के धक्के नहीं कटवाए। आपका राज बनने पर बूढ़े बुढ़िया को घर बैठे पटवारी पेंशन दे के जाएगा, और कितनी, 2-2 हजार के, 2-500 के, और एक बैंडी रंग का 100 पूरे 51 सौ, और 51 सौ हमारे
5100 हमारे चाचे ताऊ के आएंगे महीने के घर में 10,200 रुपए जब आएंगे तो बादशाह बनेगा कि मरेगा। एक चीज और बोलना चाहूंगा, चाहे कर्ज माफी की बात, साथियों किसान मेरा आज कर्जा हमने इसलिए निर्णय लिया कि सरकारी बैंकों पे जितना कर्जा कमेरे वर्ग माफ कर राज बनने पर उसको पूरी तौर पर माफ करने का काम आप करता है। जहां कैंसर जैसी बीमारी आज पानी की वजह से फैल रही, वहां यह आपकी पार्टी का निर्णय है कि कैंसर जैसी बीमारियों से निजात मिले, इसलिए हर गांव में हर शहर में आपके बड़े कमर्शियल आर ओ प्लांट लगाए जाएंगे जिससे घर घर तक पीने का स्वच्छ पानी पहुंचाने का काम आपकी सरकार है। डॉक्टर कैंसर का काले पीने का खर्चा बहुत है, लोगों की जमीन बिक जाती है मगर इलाज नहीं करा पाते, इसलिए आपकी पार्टी ने निर्णय लिया है कि राज बनने पर प्रदेश के अंदर जानलेवा बीमारी चाहे वो कैंसर हो चाहे काला पीड़िया हो, कटौती से कोई जयपुर जाना चाहे चाहे मेदांता में जाना चाहे, ये खर्चा एक से नहीं करना पड़ेगा, सारा खर्चा सरकार। साथियों जहां ट्रैक्टर की बात आती है, मुझे याद आ गया खट्टर साहब ने नया कानून पारित कर दिया, और कानून क्या है कि ट्रैक्टर का चलान कटता है 70,000 का 65,000 का, मोटरसाइकिल का चलान कटता है 25,000 का 23,000 का। खट्टर साहब कहते हैं मैं कानून बदल दूंगा। साथियों ये तो कानून बदले ना बदले, इस बार राज जरूर बदलने का काम हरियाणा की जनता करेगी, और ये वादा है राज बदलते ही जननायक जनता पार्टी की सरकार आएगी, हरियाणा प्रदेश में नए मोटर व्हीकल एक्ट को समाप्त कर पुराना मोटर व्हीकल एक्ट पूरी तौर पर लागू करने का काम आपकी पार्टी। मैं तो यही विनती करूंगा कि ये सोच लो दीपचंद आज आपके बीच में चुनाव नहीं लड़, ये सोच लेना दुष्यंत चुनाव लड़ रहा है, एक एक वोट की ताकत इतनी बना दो कि जैसे वानर सेना ने राम सेतु बनाया था, हमारे विधायक दीपचंद लिखकर उस समुद्र में डाल दिया, चंडीगढ़ तक आपकी ऐसी लहर बन जाए, लहर प्रदेश के अंदर किसान कमेरे का राज रहने का काम करे। मैं तो दोबारा आपसे यही प्रार्थना और विनती करने आया था कि अब आपका एक एक कीमती वोट जो चाबी का बटन दबकर डलेगा वो इस प्रदेश के अंदर बंद तालों को खोलेगा। आज आपके बीच में हमारे बड़े भाई आदरणीय अशोक कंवर जी ने भी आना था, मगर दिन छिपने की वजह से शिक्षा प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वो हेलीकॉप्टर से वापस आ नहीं पाए, मगर आज प्रदेश में मुझे लगता है कि वो एक ताकत मिली, जैसे चौधरी देवीलाल जी ने शुरू किया था कि अजगर अहीर जाट गुजर राजपूत मिलकर परिवर्तन लेकर आएंगे। मैं तो बोलता हूँ कि अजगर की ताकत तो है ही है, मगर आज डॉक्टर कंवर के साथ जुड़ने से आज हमें दलित और मुसलमान की ताकत भी मिली है, और हम अजगर के साथ हम मिलकर इस प्रदेश में परिवर्तन लाने का काम करेंगे। मैं तो दोबारा आप तमाम साथियों का यहाँ एकत्रित होने पर, आप तमाम साथियों का यहाँ ताकत देने पर मैं आभार व्यक्त करता हूँ।